वेलकम इन माय चैनल गुप्ता अकेडमी मलोट। हाँ जी, SST दा आपां टॉपिक लैके आए हैं। ETT पेपर सैकेंड वास्ते जो तुहाडा पेपर 16 तरीक नूं होण जा रहा है, चैप्टर वाइज MCQ करांगे। आपां पहलां भूगोल चैप्टर तो शुरू करदे हैं। जिस कैंडीडेट ने चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसनों सबसक्राइब कर देना एंड प्रेस द बैल आइकॉन टू गैट द नोटिफिकेशन। हाँ जी, आपां पहला पाठ करन जा रहे हैं भारत एक जान पछाण। हाँ जी, अपने कोल MCQ है, पहला पार्ट है अपना। अज 13 क्वेश्चन है पहले चैप्टर दे विच। भारत दे दक्षण विच केड़ा महासागर है, जो इसका सही आंसर है हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया का सब तो वड्डा लोकतंत्री देश केड़ा है, तो इसका जो सही उत्तर है भारत। भारत देश का सब तो दुनिया का सब तो वड्डा लोकतंत्री देश है। क्वेश्चन नंबर 3, एक धारणा अनुसार भारत का नाम भारत नामी राजे दे नाम तो पिया, जिसका वर्णन कित्थे किया गया है, उसका जो जिक्र है वह ऋग्वेद विच किया गया है। ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षण विच स्थित है, इसका कारण इसनों होर किस नाम नाल पुकारिया जाता है, दक्षणी एशिया। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, केड़ी नहर दे खुलन कारण भारत नूं पछमी यूरोप नाल व्यापार विच संबंध आसानी होई है, जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सुवेज नहर। क्वेश्चन नंबर 6, हिमालया पर्वत भारत दे किस पासे स्थित है, उत्तर विच। ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रियंका कुमारी कश्मीर विच रहिंदी है, उसने घूमन फिरन लई कन्याकुमारी तमिलनाडु आना है, उसनू कश्मीर तो कन्याकुमारी तक लगभग किन्ना सफ़र तय करना पवेगा, तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 3214 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, खेत्रफल दे हिसाब नाल भारत संसार विच किन्नवे नंबर ते है, जो सही है इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 7वें नंबर ते है। आजादी तो पहला भारत विच किन्नियां रियासतां सन, जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 562 रियासतां। क्वेश्चन नंबर 10, 1 नवंबर 1966 नूं अजोका भारत किस राज किस आधार ते होंद विच आया, जो इसका सही उत्तर है भाषा दे आधार ते। क्वेश्चन नंबर 11, जेकर तुसी भारत दे सब तो वड्डे राज विच घूमन फिरना जाना चाहुंदे हो तां ओ तुहाडा राज केड़ा होवेगा, जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 12, जिस तरह रोटी नूं प्रशादा भी किया जाता है उस तरह लोक सभा नूं होर की किया जाता है, तां जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, हेठला सदन। क्वेश्चन नंबर 13, ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਲਾਸਟ MCQ ਹੈ। ਜੋ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 13, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੁਣੋਗੇ, ਜੋ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ 13 ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ।